मिसिंग द वुड, क्या मतलब होता है इस idiom का? देखो, वुड का मतलब होता है जंगल, मिसिंग द वुड। देखो, आप क्या कह आपने क्या किया, आप जंगल में गए और जंगल में क्या थे, काफ़ी सारे पेड़ थे, ये काफ़ी सारे पेड़ थे। आप जंगल में क्या करें, लकड़ी काटने गए, लेकिन आपका क्या हुआ, ध्यान जो है सिर्फ एक पेड़ पे अटक गया। सिर्फ आप इस पेड़ पे अटक गया आपका ध्यान, तो बाकी पेड़ों को आप न देख सके, यानी कि आप ये न देख पाए कि आपके चारों ओर जंगल था। तो इसको बोलते हैं मिसिंग द वुड, यानी कि आपने अपना ध्यान पेड़ पे अटका दिया और ये जो बाकी जो जंगल था उसको आप मिस कर गए। अब ये टाइटल क्यों दिया एडिटोरियल ने, इस टाइटल के माध्यम से एडिटोरियल ये बताना चाहता है कि बीजेपी सरकार जो है वह सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर कुछ पॉइंट्स पर जाके अटक गई है। यानी कि बीजेपी सरकार जो है आसपास जो विरोध हो रहे हैं पूरे देश में, है ना भाई, अन्य पॉइंट्स को नहीं देख पा रही बीजेपी पार्टी जो है ना। सिर्फ एक कुछ पॉइंट्स हैं नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर, उन पॉइंट्स पे बीजेपी अटक गई। जैसे कि आप जाओ और सिर्फ एक पेड़ पे अटक जाओ, बाकी पेड़ों को आप ना देख पाओ। तो ठीक इसी प्रकार से टाइटल के माध्यम से एडिटोरियल ये बताना चाहता है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार जो है वह क्या है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट के कुछ बिंदुओं पे आके अटक गई है। उसे क्या करना चाहिए, व्यापक रूप से जो विरोध चल रहा है, अन्य जो बिंदु हैं उनकी तरफ भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मिसिंग द वुड का मतलब होता है, एक तरीके से आपने क्या, पेड़ देखा वन नहीं देखा, यानी कि आपने क्या किया, कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स बातें जो थी उन बातों को आप जो है ना देख पाए। क्यों? क्योंकि आपने अपना ध्यान जो है कुछ बातों पर अटका दिया। ये इस टाइटल का मतलब है। अब समझते हैं आगे कि क्या एडिटोरियल जो है बात करता है कि रेदर देन, बजाय इसके, डिनाउंस केरलास CAA रिजोल्यूशन। देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ये जो हमारा केरल राज्य है इसने क्या किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो है कुछ प्रस्ताव पारित किया है ना, कुछ प्रस्ताव रखा है अपना, यानी कि एक तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ बिंदुओं पर अपना विरोध दर्ज कराया है। तो क्या हुआ है कि रेदर देन, लेकिन ये जो हमारी केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार ने क्या किया है, इस केरल के प्रस्ताव को एक तरीके से फटकारा है। डिनाउंस का मतलब होता है एक तरीके से इल्ज़ाम लगाना, क्रिटिसाइज करना, है ना। तो रेदर देन डिनाउंस केरलास CAA रिजोल्यूशन, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बजाय इसके कि आप केरल का ये जो प्रस्ताव है जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर है, इसकी निंदा करने के या इसको जो है क्रिटिसाइज करने के, सेंटर केंद्र सरकार को मस्ट सीक, केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए। सीक का मतलब होता है देखना, तलाशना, खोजना, मस्ट जरूर से जरूर। सेंटर को क्या देखना चाहिए, क्या तलाश करना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्शन। भाई सेंटर को ये समझना चाहिए कि केरल जो है अगर उसने कोई प्रस्ताव पारित किया है, केरल ने अगर कोई ऑब्जेक्शन किया है ना, केरल ने अगर कोई असहमति उठाई है CAA को लेकर, तो वो क्यों उठाई है। यही इसीलिए तो टाइटल दिया है मिसिंग द वुड, कि भाई केरल की बात भी जो है समझनी चाहिए कि केरल के लोग यदि CAA को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो ये एडिटोरियल जो है इन दो लाइन्स में कहता है कि रेदर देन डिनाउंस केरला CAA रेजोल्यूशन, कि केरल का जो CAA का जो प्रस्ताव है उसको निंदित करने के बजाय केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि भाई केरल जो है वो ऑब्जेक्शन है ना, वो अपनी आपत्ति क्यों उठा रहा है केरल CAA को लेकर, इस बात को जो है सेंटर को समझना चाहिए। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है। द केरला असेंबलीज रेजोल्यूशन, द केरला असेंबलीज रेजोल्यूशन कॉलिंग अपॉन, देखो कॉल अपॉन, रेजोल्यूशन का मतलब तो समझ गए ना आप कि भाई कोई भी, या तो प्रस्ताव होता है रेजोल्यूशन का मतलब, कोई भी आप निश्चय करके जब कोई बात कहते हो ना तो उसको बोलते हैं हम रेजोल्यूशन। कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है कॉल ऑन या कॉल अपॉन का मांग करना या फिर कहना। तो द केरला असेंबलीज रेजोल्यूशन कॉलिंग अपॉन द सेंटर टू रिपील, रिपील का मतलब होता है कि भाई ये जो कानून है ना, इस कानून को जो है निरस्त कर दिया जाए, इस कानून को जो है रिपील, यानी कि एक तरीके से रिपील कर देना मतलब रिवॉक कर देना है ना, इसको हटा देना, निष्प्रभाव कर देना। रिपील द सिटीजनशिप अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन एक्ट 2019। तो केरल का ये जो प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव में कहा गया है, क्या कहा गया है, केंद्र सरकार को कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है निष्प्रभावी कर दे, हटा दे किस चीज़ को, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है इसको। तो केरल्स असेंबली का ये कहना रिफ्लेक्ट्स, दर्शाता है। अब ये देखो, ये जो रिफ्लेक्ट आया है ना यहाँ पे आया है इस रेजोल्यूशन के लिए, केरल द केरला असेंबलीज रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन की बात की जा रही है। तो केरला असेंबलीज रेजोल्यूशन ये दर्शाता है द वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो व्यापक रूप से फैली हो उसको बोलते हैं वाइड स्प्रेड। अनईज, अनईज का मतलब है डिस्कम्फर्ट, यानी कि बेचैनी,
एंड डिसक्वाइट, डिसक्वाइट क्वाइट का मतलब शांत, डिसक्वाइट का मतलब वही अशांत या बेचैन होना। द लेजिस्लेशन हैज़ कॉस्ट, इसका मतलब है कि भाई केरल असेंबली के द्वारा, केरल विधानसभा के द्वारा इस प्रस्ताव को जो है पारित किया जाना, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, एक व्यापक बेचैनी और एक व्यापक अशांति इस कानून ने पैदा की है पूरे देश में। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन यानी कानून, कि भाई ये जो हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेके आए हैं, इस लेजिस्लेशन के माध्यम से हैज़ कॉस्ट मतलब कारण बना है कि इस कानून के द्वारा क्या क्या बेचैनी हुई है ना, कितनी अशांति फैली है, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, केरला असेंबली के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया जाना, किसके खिलाफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है, कि रेदर देन, बजाय इसके, ट्रीट इट, कि भाई केरल ने जो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है उस ऑब्जेक्शन को आप किस तरह से ट्रीट करते हो, एज ए कॉन्ट्रोवर्सी, कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब विवाद, ओवर किस बात को लेकर, द क्वेश्चन इस बात को लेकर, वेदर कि ए स्टेट असेंबली कि एक राज्य की जो विधानसभा है इज कॉम्पिटेंट, कि एक राज्य की जो विधानसभा है क्या वो सक्षम है, कॉम्पिटेंट यानी कैपेबल होना, सक्षम होना, टू क्वेश्चन द लॉ, कि राज्य की विधानसभा कोई कानून जो बनाया जाता है संसद के द्वारा, उस बनाए गए कानून पर प्रश्न उठा सके, क्या राज्य की विधानसभा इस बात के लायक है या इस बात में सक्षम है, ऑन ए मैटर अंडर द यूनियन गवर्नमेंट्स डोमेन, यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र, डोमेन मतलब कि भाई आपके प्रभाव में आता है वो, है ना, कोई भी चीज़ जो आपके प्रभाव में है तो या इसका मतलब है आपके डोमेन में है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, कि भाई केंद्र सरकार जो है, संघ सरकार जो है, अगर उसके प्रभाव में कोई मामला है और उस मामले पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है, तो क्या राज्य सरकार को ये अधिकार है, क्या राज्य सरकार जो है इस बात के लिए सक्षम है कि वह जो है प्रश्न उठाए, वह कहे कि भाई ये कानून ठीक है नहीं, तो इस तरह का विवाद पैदा करने के बजाय द सेंटर शुड रिफ्लेक्ट ऑन, सेंटर को इस बात पे मनन करना चाहिए, केंद्र सरकार को इस बात पे मनन करना चाहिए, रिफ्लेक्ट के साथ अक्सर ऑन प्रीपोजिशन आता है, रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब होता है चिंतन करना या फिर मनन करना। तो ये थोड़ी सी लंबी लाइन है एडिटोरियल की, देखते हैं इस बारे में क्या बात की जा रही है। तो एडिटोरियल कहता है कि सेंटर शुड रिफ्लेक्ट ऑन द कोर इशू, सेंटर को जो है ना मूल मुद्दे के बारे में जो है मंथन करना चाहिए, मूल विषय के बारे में, कोर, कोर का मतलब होता है बिल्कुल मूल इशू। अब मूल इशू क्या है, दैट मूल इशू ये है दैट द CAA मे बी, कि भाई इस बात की संभावना बनती है कि हो सकता है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है मे बी इन वॉयलेशन ऑफ द इक्वलिटी नॉर्म, कि भाई केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वह हमारे जो समानता के प्रावधान संविधान में किए हैं हमने, नॉर्म यानी प्रावधान, इक्वलिटी नॉर्म, उनका उल्लंघन करता हो, CAA जो है वह हमारे समानता के प्रावधान जो है संविधान में उनका उल्लंघन करता हो, एंड सेक्युलर प्रिंसिपल, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो हमारे प्रावधान है, एनश्राइंड, एनश्राइंड का मतलब है कुछ चीज़ें जिनको कि आपने पवित्र मान के स्थापित किया हुआ है, एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई हमारे क्या है, धर्मनिरपेक्षता के कुछ सिद्धांत हैं, हमारे समानता के कुछ अधिकार हैं, समानता के कुछ प्रावधान हैं जिनको हमने संविधान में प्रतिष्ठापित किया है, तो हो सकता है ये CAA जो है उनके उल्लंघन में जाता हो, तो केंद्र सरकार को जो है इस बात पे मनन करना चाहिए, न कि केंद्र सरकार को जो है एक कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करना चाहिए। देखो ये यहाँ से लिखा हुआ है पूरा वाक्य, रेदर देन ट्रीट इज एज ए कॉन्ट्रोवर्सी, कि भाई केरल ने जो कहा है, केरल ने जो ऑब्जेक्शन उठाए हैं CAA को लेकर, है ना, तो उनके माध्यम से केंद्र सरकार को विवाद पैदा नहीं करना चाहिए, है ना, कंट्रोवर्सी ओवर द क्वेश्चन, है ना, कि आप जो है एक प्रश्न उठा लाओ, आप ये बोलने लग जाओ कि भाई राज्य जो है क्या इस बात के लायक है, वेदर ए असेंबली, स्टेट असेंबली इज कॉम्पिटेंट, कि भाई राज्य की जो विधानसभा है क्या वो सक्षम है कि वह जो है प्रश्न उठा सके उस कानून पर, कौन से कानून पर, जो कि केंद्र सरकार के डोमेन में आता है, वो मुद्दा जिस पर कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, क्या उस पर जो है राज्य सवाल उठा सकता है, इस प्रकार का विवाद पैदा करने के बजाय जो है क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई ये जो CAA हम लेके आए हैं, हो सकता है इसके माध्यम से ये जो CAA है ये हमारे संविधान के जो मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत हैं या फिर हमारे समानता के जो प्रावधान हैं उनके खिलाफ जाता हो। तो ये एडिटोरियल जो है बात करता है। आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या कहता है, कि गिवन, गिवन का मतलब होता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को देखते हुए, गिवन हाउ डीपली द कंट्री इज डिवाइडेड ऑन द चेंजेस इन द लॉ,
कि भाई ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें जो परिवर्तन किए जा रहे हैं ना, ये जो इसमें ये जो बदलाव हैं, इन बदलावों के ऊपर देश किस तरह से बटा हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, गिवन देखते हुए, हाउ डीपली, कि कितने गहरे रूप से पूरा देश जो है वह डिवाइडेड है, वह बटा हुआ है, किस बात पर, कि ये जो सिटीजनशिप में ये जो बदलाव हैं, इन बदलावों को लेकर पूरा देश जो है कितने गहरे रूप में बटा हुआ है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केरलास एग्जाम्पल, कि ये जो केरला ने जो उदाहरण दिया है, यानी कि केरल की जो विधानसभा है उसने एक प्रस्ताव पारित किया है किसके खिलाफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, में तो इस बात की संभावना बनती है, में सेट द स्टेज, सेट द स्टेज का मतलब होता है पृष्ठभूमि तैयार करना, भूमिका तैयार करना, मंच तैयार करना, फॉर ए वाइडर, वाइडर मतलब और ज़्यादा विस्तृत, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना या फिर मुकाबला, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स दैट हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिसइंक्लिनेशन। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि भाई कि अगर हम राष्ट्रव्यापी रूप से, अगर हम राष्ट्रव्यापी रूप से अगर हम देखें कि भाई ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून है, इसको लेकर जो है देश पूरी तरीके से बटा हुआ है, और ऐसे हालातों में ये जो केरला ने ये जो प्रस्ताव पारित किया है CAA के खिलाफ, ये क्या कर सकता है, एक भूमिका तैयार कर सकता है ना, एक भूमिका तैयार कर सकता है, किसकी भूमिका, मुकाबले की भूमिका, किन किन के बीच मुकाबला, केंद्र सरकार के और उन राज्यों के बीच मुकाबला, वे राज्य जिन्होंने की दैट हैव एक्सप्रेस्ड, वे राज्य जिन्होंने की अभिव्यक्त किया है, क्या अभिव्यक्त किया है, देयर डिसइंक्लिनेशन। डिसइंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ आपका रुझान होना, किसी काम को करने की इच्छा होना, डिसइंक्लिनेशन का मतलब है अनिच्छा होना, है ना, आपकी आपका रुझान नहीं है उस ओर, है ना, तो वे राज्य जिन्होंने की अपनी अनिच्छा को व्यक्त किया है टू गिव इफेक्ट टू द सेंटर्स पॉलिसी इन दिस रिगार्ड, कि भाई सेंटर की जो नीति है, केंद्र सरकार की जो नीति है सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर, उसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ राज्य हैं जिन्होंने की अनिच्छा जताई, इन दिस रिगार्ड मतलब इस संदर्भ में, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जो केंद्र सरकार की नीति है उसको एक तरीके से प्रभावी पूर्ण प्रभाव उसको जो है एक तरीके से प्रभाव प्रभाव प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, उसको इफेक्ट देने के लिए, कि भाई जो है कि राज्य सरकार जो है सारी की सारी जो है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मान ले, तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया केरल ने जो है एक भूमिका तैयार की है। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई फाइनली फाइनली जो है यही बात जो है इसमें कही गई है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस कानून के ऊपर, इस कानून में जो चेंज किए गए हैं उन चेंज से क्या है कि पूरा देश जो है लगभग बटा हुआ है और बहुत गहरे में बटा हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए केरल ने ये जो ऑब्जेक्शन दर्ज कराए हैं अपने, केरल ने ये जो प्रस्ताव पारित किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ, ये क्या कर सकता है, एक भूमिका तैयार कर सकता है और इसके माध्यम से एक मुकाबला हो सकता है, किन किन के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में और उन राज्यों के बीच में जिन राज्यों ने क्या किया है, अपनी अनिच्छा व्यक्त की है, किस चीज़ के प्रति अनिच्छा व्यक्त की है राज्यों ने, राज्यों ने अपनी अनिच्छा व्यक्त की है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको प्रभावी बनाने के लिए, ये एडिटोरियल जो है बात करता है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है, कि द रेजोल्यूशन, कि ये जो प्रस्ताव है एक तरीके से, ये जो प्रस्ताव है केरल सरकार का जो कि इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पारित किया है, द रेजोल्यूशन रिफ्लेक्ट, ये रेजोल्यूशन जो है वो क्या दर्शाता है, ये प्रस्ताव क्या दिखाता है, ए लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब कानूनन, ए लेजिटिमेट कंसर्न, एक मतलब वास्तव में एक जायज, यहाँ पे लेजिटिमेट का मतलब है जायज, कंसर्न यानी चिंता, दैट इन इनेक्टिंग द CAA, इनेक्ट इनेक्ट का मतलब होता है किसी भी कानून का निर्माण करना, है ना, मेक ए बिल, है ना, कोई भी कानून बनाना, तो ये जो प्रस्ताव है केरल का ये दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है, क्या चीज़ दर्शाता है कि भाई एक जायज चिंता को दिखाता है, ये जो केरल ने जो प्रस्ताव पारित किया है, केरल के द्वारा ये प्रस्ताव का पारित किया जाना एक जायज चिंता को दिखाता है ना, कि भाई ये जो हम CAA का जो निर्माण करने जा रहे हैं, ये CAA को जो निर्मित करना है, दैट इन इनेक्टिंग द CAA द सेंटर हैज़ रिटन अ पेटेंटली डिस्क्रिमिनेटोरी नॉर्म इन टू द लॉ, कि भाई CAA को निर्मित करने के माध्यम से केंद्र सरकार ने क्या किया है, लिख दिया है, सेंटर हैज़ रिटन, क्या लिख दिया है, पेटेंटली, पेटेंटली का मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली, जिसमें किसी तरह का कोई डाउट ना हो, बिल्कुल साफ तौर पर, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभावपूर्ण, नॉर्म यानी प्रावधान इन टू द लॉ, यानी कि CAA कानून को बनाकर केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पर भेदभावपूर्ण प्रावधान कानून में लिख दिए हैं, ये एडिटोरियल जो है यहाँ से यहाँ तक बात करता है। देयर इज जस्टिफाइड अपोजिशन अक्रॉस इंडिया ऑन द अमेंडमेंट्स इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आशय, निहितार्थ,
भाई कोई भी बात है, इस बात में क्या बात और छिपी हुई है ना, किसी भी बात में से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, उनको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, है ना, कि भाई इसके क्या निहितार्थ हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि देयर इज जस्टिफाइड, जस्टिफाइड का मतलब है न्यायोचित, जो बिल्कुल उचित हो। अपोजिशन, एडिटोरियल कहता है कि भाई CAA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट देश भर में किए जा रहे हैं वे बिल्कुल न्यायोचित हैं, बिल्कुल उचित हैं वे, अक्रॉस इंडिया, मतलब जो पूरे भारतवर्ष में किए जा रहे हैं। ऑन द किस बात को लेकर, ऑन द अमेंडमेंट, कि इस संशोधन को लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन को लेकर जो प्रस्ताव पूरे भारत में की, जो विरोध है ना, जो विरोध पूरे, जो अपोजिशन पूरे भारत में किया जा रहा है वह न्यायोचित है। तो यही एडिटोरियल कहता है कि देयर इज जस्टिफाइड अपोजिशन अक्रॉस इंडिया ऑन द अमेंडमेंट्स इम्प्लीकेशन, कि भाई ये जो संशोधन होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट का, है ना, इसके क्या क्या छिपे हुए अर्थ हैं, है ना, इसके क्या क्या आशय हैं, स्पेशली इन कॉम्बिनेशन विथ, अब ये तो हम करने ही जा रहे हैं केंद्र सरकार ने, ये CAA है ना, इसके साथ ही साथ दूसरा क्या काम हम करने जा रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन विथ CAA के साथ, और आप कंबाइन कर लो, जोड़ लो किस चीज़ को, कॉम्बिनेशन विथ द एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब जिसकी की उम्मीद है, जिसकी की आशा है ना, एक्सपेक्टेड है ना, जिसकी की हम आशा कर रहे हैं, क्या, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है, फॉलो अप का करने का मतलब होता है, कोई काम आपने किया, अब उसका, उसको आप देखो पीछे, उसके अलावा और कुछ काम करो उससे संबंधित, है ना, उसके बाद में, उसको बोलते हैं फॉलो अप करना। फॉलो अप एक्शन इन द फॉर्म ऑफ एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना ए सिटीजनशिप रजिस्टर। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इसके साथ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के साथ ही साथ और किस चीज़ की उम्मीद है, और किस चीज़ की आशा है, वो है कुछ फॉलो अप एक्शन होना है, कुछ और काम होना है। वो कौन सा काम है, हम जो है सिटीजनशिप रजिस्टर भी निर्मित करने जा रहे हैं। तो ये एडिटोरियल कहता है, तो एडिटोरियल ये बात करता है कि इन सबसे संबंधित जो विरोध पूरे भारत में किया जा रहा है ना, तो अक्रॉस इंडिया ऑन द अमेंडमेंट्स इम्प्लीकेशंस, है ना, तो भाई इसके क्या क्या आशय हो सकते हैं, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। तो एडिटोरियल कहता है ये काफ़ी जायज बातें हैं जो भी इनमें जो है की जा रही है, और साथ ही साथ अगर हम इस चीज़ को और ऐड कर लें, किस चीज़ को, कि ये जो एक प्रस्तावित है ना, कि भाई जो है एक फॉलो अप एक्शन हम करने जा रहे हैं, कि हम जो है सिटीजनशिप रजिस्टर भी निर्मित करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं डिटेल और क्या बात करता है, कि केरला चीफ मिनिस्टर पिन्नाराई विजयन, केरला चीफ मिनिस्टर पिन्नाराई विजयन इज अमॉन्ग सेवरल सीएम्स, केरल के जो मुख्यमंत्री पिन्नाराई विजयन हैं वह उन कई मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, सेवरल यानी विविध, कई, उन कई मुख्यमंत्रियों में से एक हैं हु हैव स्पोकन आउट, जो कि खुल के बोले हैं। स्पोकन आउट मतलब होता है बिल्कुल आपकी जो दिल की बात है ना, उसको खुल के बोलना, अगेंस्ट किसके खिलाफ, अगेंस्ट द CAA's डिस्क्रिमिनेटरी नेचर, कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भेदभावपूर्ण स्वभाव है, यानी कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके भेदभावपूर्ण स्वभाव के खिलाफ कुछ मुख्यमंत्री बोले हैं, कई मुख्यमंत्री बोले हैं, उन्हीं में से एक हैं केरला के चीफ मिनिस्टर पिन्नाराई विजयन। बट हिज हैज़ बीन द फर्स्ट रेजिम, लेकिन उनकी ही सरकार पहली सरकार है, रेजिम का मतलब होता है गवर्नमेंट या फिर शासन, लेकिन उनका शासन या फिर उनकी सरकार पहली सरकार है टू अडॉप्ट, जिन्होंने अपनाया है ए फॉर्मल रेजोल्यूशन फॉर रिपील, जिन्होंने एक औपचारिक प्रस्ताव को अपनाया है जिसके माध्यम से इस CAA को जो है निष्प्रभावी किया जा सके। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। द सेंटर मस्ट मेक एन एफर्ट, केंद्र सरकार को जरूर से जरूर एक प्रयास करना चाहिए टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए द अंडरपिनिंग, अंडरपिनिंग मतलब होता है कि भाई इसको सहारा कहाँ से मिल रहा है ना, इसको अंदर अंदरूनी सपोर्ट कहाँ से प्राप्त होता है। तो अंडरपिनिंग का मतलब होता है सपोर्ट या फिर सहारा। तो केंद्र सरकार को इस बात को समझना चाहिए, किस बात को समझना चाहिए, द अंडरपिनिंग ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, कि ऑनगोइंग, ऑनगोइंग मतलब जो जारी है, कि ये जो विरोध देश भर में चल रहा है CAA के खिलाफ, इसको सहारा कहाँ से मिल रहा है, इसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है ना। अंडरपिनिंग ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट्स अमेंडमेंट, कि केंद्र सरकार ने तो अमेंडमेंट किया है और इस अमेंडमेंट के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्ट को जो है अंडरपिनिंग मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है। तो केंद्र सरकार को इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और उन प्रदर्शन को जो है सपोर्ट भी मिल रहा है। ऑफ विच द केरला रेजोल्यूशन इज श्योरली अ पार्ट, एडिटोरियल कहता है कि इसी श्रृंखला में केरल के द्वारा ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है CAA के खिलाफ, यह इसी विरोध की कड़ी में, CAA का जो विरोध चल रहा है उसी विरोध की कड़ी का एक हिस्सा है, निश्चित रूप से एक हिस्सा है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है, कि यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद एंड, क्या बात करता है एडिटोरियल, कि यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद
एंड केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान क्या किया है, इन दोनों ने हैव डिनाउंस्ड, इन दोनों ने आलोचना की है, किस चीज़ की आलोचना की है, किस चीज़ की निंदा की है इन्होंने, द अडॉप्शन ऑफ सच अ रेजोल्यूशन, कि इस प्रकार के प्रस्ताव को अपनाने की, यानी कि केरल के द्वारा ये जो प्रस्ताव अपनाया गया है ना, इस प्रस्ताव को अपनाने की ये जो रविशंकर प्रसाद हैं और ये जो आरिफ मोहम्मद हैं केरला के गवर्नर, इन दोनों ने जो है निंदा की है। द फॉर्मर, यहाँ पे ये फॉर्मर आया है रविशंकर प्रसाद के लिए, कोई भी वाक्य हो उस वाक्य में यदि दो व्यक्तियों का जो है नाम लिया जाए तो फॉर्मर का मतलब है पहले वाला व्यक्ति, पूर्व वाला, पहले आने वाला, तो रविशंकर प्रसाद के लिए कहा जा रहा है। द फॉर्मर आर्ग्यूइंग, इन्होंने क्या तर्क देते हुए बात अपनी बात कही है, रविशंकर प्रसाद ने क्या तर्क दिया है, द फॉर्मर आर्ग्यूइंग दैट ऑल स्टेट्स हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेटी, कि पूर्व वाले ने यानी कि रविशंकर प्रसाद ने ये कहते हुए कि सभी राज्यों की ये संवैधानिक कर्तव्य है टू इम्प्लीमेंट, कि वे लागू करें सेंट्रल लॉ, कि ये जो रविशंकर प्रसाद हैं इन्होंने जो है आलोचना की है केरल के प्रस्ताव की, प्रस्ताव को अपनाने की, क्या कहते हुए, ये कहते हुए कि सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे जो है केंद्र के कानूनों को जो है लागू करें, ये एडिटोरियल कहता है। हाउएवर, फिर भी द प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन, कि मुख्य ऑब्जेक्शन जो है ना, मुख्य जो आपत्ति है, हाउएवर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन इज नॉट वैलिड, हालांकि जो मुख्य आपत्ति है वह वैलिड नहीं है। अब देखो ये हाइफन से हाइफन के बीच में क्या लिखा हुआ है, दैट सिटीजनशिप बीइंग अ मैटर, कि भाई नागरिकता जो है बीइंग ए मैटर, होने के कारण, बीइंग ए मैटर कंसर्निंग द यूनियन, कंसर्निंग मतलब संबंधित, कि भाई नागरिकता जो है वह यूनियन यानी कि एक तरीके से केंद्र सरकार से संबंधित मामला है, इट इज़ नॉट ओपन टू स्टेट असेंबलीज, और यह बात राज्य की विधानसभाओं के लिए खुली हुई नहीं है कि वे जो है नागरिकता से संबंधित अपने विचार जो है व्यक्त कर सकें। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो ऑब्जेक्शन है ना यह वैलिड नहीं है। दोबारा समझते हैं इस लाइन में क्या कहा जा रहा है, कि इस लाइन में बात की जा रही है कि जो मुख्य जो आपत्ति दर्शाई गई है ना, एक तरीके से केरल ने ये जो प्रस्ताव पारित किया है CAA के खिलाफ, उसके खिलाफ जो मुख्य आपत्ति दी गई है, मुख्य जो विरोध, मुख्य जो ऑब्जेक्शन दिया गया है वो ये कि भाई सिटीजनशिप जो है वह यूनियन का मामला होने के कारण, बींग मतलब होने के कारण है ना, कि भाई नागरिकता जो है वह केंद्र सरकार से संबंधित मामला है, इट इज़ नॉट ओपन टू स्टेट असेंबलीज, तो ये जो राज्य की विधानसभा जो है वह इसके ऊपर विचार दें, ये बात ठीक नहीं है। तो ये जो तर्क दिया गया ना, ये पूरा तर्क ही वैलिड नहीं है, एडिटोरियल ये कहता है, क्यों, टू द एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब होता है सीमा तक, टू द एक्सटेंट दैट अ स्टेट गवर्नमेंट बिलीव्स, कि भाई किसी एक निश्चित सीमा तक यदि राज्य सरकार ये मानती है, किसी एक निश्चित सीमा तक यदि राज्य सरकार ये विश्वास करती है कि ए पार्लियामेंट्री लॉ, कि संसद के द्वारा जो कानून पास किया गया है इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, कि किसी भी राज्य की विधानसभा को ऐसा लगता है कि संसद के द्वारा जो कानून पास किया गया है वह संवैधानिक नहीं है, इट इज़ एंटायरली इन ऑर्डर, तो ये बिल्कुल ठीक है बात, एंटायरली मतलब कम्प्लीटली, इन ऑर्डर मतलब बिल्कुल ठीक है, तो इट इज़ एंटायरली इन ऑर्डर फॉर द स्टेट, तो किसी भी राज्य के लिए, इट इज़ एंटायरली इन ऑर्डर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने वाली सभा, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा, उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर, टू कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब है इस बात की मांग करना, इस बात के लिए कहना, इट्स रिपील, तो एडिटोरियल ये कहता है कि ठीक है कि राज्य सरकार को, किसी भी राज्य की विधानसभा को इस सीमा तक अधिकार है, कौन सा अधिकार, यदि किसी भी राज्य की सरकार ये विश्वास करती है, ये मानती है कि भाई संसद के द्वारा जो कानून पास किया गया है वो संवैधानिक नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्या ठीक है कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा है वो इस बात के लिए कहे, कि किस बात के लिए कहे, कि साहब ये जो केंद्र सरकार ने कानून किया इसको हटाओ, क्यों, वो कह सकती है ऐसा अगर उसको लगता है कि ये जो कानून आया है यह संविधान के प्रतिकूल जाता है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है, कि फर्दर, और आगे एडिटोरियल बात करता है, फर्दर हम प्रयोग करते हैं कि भाई जो बात कह रहे हैं ना उस बात में कुछ और बात जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कहते हैं फर्दर, अ रेजोल्यूशन इज नॉट लेजिस्लेशन, एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, इन्होंने केरल ने जो है एक सिर्फ प्रस्ताव पारित किया, ये कोई कानून नहीं बन गया है, अ रेजोल्यूशन इज नॉट लेजिस्लेशन, कि भाई एक प्रस्ताव जो है उस प्रस्ताव को आप कानून नहीं कह सकते, कि प्रस्ताव जो है वो कानून नहीं है, एंड इज नॉट गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस यानी कि लेजिस्लेटिव मतलब कानून से संबंधित, कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, कि भाई कानूनी क्षमता नहीं होती, ये जो रेजोल्यूशन होता है ना, गवर्न्ड, गवर्न्ड का मतलब होता है शासित होना,
कि प्रस्ताव जो है सिर्फ एक प्रस्ताव है, उसे एक कानून की तरह न लिया जाए, है ना। कानून के माध्यम से, एक कानून जो होता है उस कानून के जो सिद्धांत होते हैं, है ना, कानून जिस तरह से लोगों पे लागू होता है उसी तरह से इसको, रेजोल्यूशन को जो है नहीं लिया जाना चाहिए, ये एडिटोरियल जो है बात करता है। एंड इज़ नॉट गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि कानूनी जो क्षमता होती है वो क्षमता इस रेजोल्यूशन में शामिल नहीं है, यानी कि रेजोल्यूशन जो है वह कानूनी क्षमताओं से शासित नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिंदी हो गई इसकी, तो आराम से समझें इस चीज़ को। इट इज ओनली एन एक्सप्रेशन, तो रेजोल्यूशन जो होता है वो सिर्फ एक अभिव्यक्ति है। इट इज ओनली एन एक्सप्रेशन, कि रेजोल्यूशन जो होता है वह सिर्फ एक अभिव्यक्ति है ऑफ अ पॉलिटिकल ओपिनियन, राजनीतिक विचार को व्यक्त करने की, कि भाई आपका राजनीतिक विचार क्या कहता है, आपका मत क्या कहता है ना, आपका दृष्टिकोण क्या है किसी बात को लेकर, सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति है रेजोल्यूशन, कोई कानून नहीं है रेजोल्यूशन। तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे। अब एडिटोरियल कुछ बात कहता है, कुछ उदाहरण देता है कि तमिलनाडु को अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, हैज पास्ड सेवरल रेजोल्यूशन, कि तमिलनाडु ने जो है काफ़ी सारे प्रस्ताव जो है पास किए हैं कंसर्निंग, जो कि संबंधित हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज, कि भारत की जो विदेश नीति है उस विदेश नीति पर कई आपत्तियां दर्ज कराते हुए कई सारे प्रस्ताव जो है तमिलनाडु ने जो है पास किए हैं, यानी कि तमिलनाडु जो है काफ़ी सारे प्रस्ताव पारित कर चुका है। भाई उसको लगा कि यार ये बात ठीक नहीं है, तो इस संबंध में जो है उसने अपने प्रस्ताव पारित किए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखो कौन कौन से प्रस्ताव जो है तमिलनाडु ने पारित किए, हाइफन लगा के बताई गई ये बात, सच है। जैसे कि आस्किंग फॉर ए वार क्राइम प्रोब, वार क्राइम प्रोब, कि युद्ध के समय जो अपराध किए गए उनकी जाँच की जाए, अगेंस्ट श्रीलंका, कि भाई श्रीलंका के खिलाफ जब युद्ध किया था हमने उस दौरान पे जो क्या हुआ था, जो कुछ अपराध किए गए थे उनकी जो है जांच की जाए। एंड इवन ए रेफरेंडम, देखो रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, रेफरेंडम का मतलब होता है कि कोई भी राजनीतिक प्रश्न है या कोई भी सामाजिक प्रश्न है, इस पर लोगों की राय जानने के लिए आप क्या करो, लोगों से सुन लो साहब, लोगों का मत इकट्ठा कर लो, उसको बोलते हैं रेफरेंडम। पूछ लो सारे लोगों से, है ना, या जितने भी लोग हैं उनकी राय पूछ लो सबकी, उसको बोलते हैं रेफरेंडम, जनमत संग्रह ऑन तमिल इलम। तो तमिलनाडु जो है काफ़ी सारे प्रस्ताव पारित कर चुका है पहले भी, जब उसको लगा कि ये काम ठीक नहीं है। जैसे कि उसने क्या किया कि भाई ये जो इंडिया की विदेश नीति से संबंधित कुछ जो है उसने प्रस्ताव पारित किए, जैसे कि उसने क्या पूछा था, तमिलनाडु ने पूछा था कि ये युद्ध के समय, युद्ध के दौरान जो अपराध किए गए थे उन अपराधों की जो है जाँच की जाए, है ना, जब हमने श्रीलंका के खिलाफ युद्ध किया था। एंड इवन यहाँ तक कि तमिलनाडु ने एक प्रस्ताव पारित करने के लिए भी कहा, कौन सा प्रस्ताव, तमिल इलम। अब देखो ये एक नई बीमारी है, ये तमिल इलम को समझते हैं कि ये तमिल इलम क्या है, जिसके खिलाफ जो है तमिलनाडु ने प्रस्ताव पारित करने के लिए कहा कि तमिल इलम। देखो क्या है कि ये रहा हमारा, ये श्रीलंका रहा, ठीक है, तो श्रीलंका में क्या है, ये जो नॉर्थ क्षेत्र है ना श्रीलंका का, नॉर्थ क्षेत्र, इसमें क्या है तमिल पीपल रहते हैं ना, तमिल लोग रहते हैं। इसके अलावा भारत जो है ना, तो भारत से भी काफ़ी लोग जो है यहाँ पर जाकर बसे हुए हैं तमिल लोग। तो इन्होंने क्या किया, और इन तमिल लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमारे ऊपर ये जो श्रीलंका के बाकी लोग हैं ना, इनके द्वारा जो है अत्याचार किए जाते हैं। तो तमिलनाडु ने ये प्रस्ताव पारित किया कि साहब ऐसा करो, आप जो है लोग बागों से पूछ के लोगों की राय जान लो, क्या करना चाहिए, तमिल लोगों के लिए श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य जो है बना दिया जाना चाहिए। ये संबंधित प्रस्ताव जो है तमिलनाडु ने पारित किया कि इस पर जो है साहब वोट करा लो आप। तो ऐसे ऐसे प्रस्ताव जो है तमिलनाडु पारित कर चुका है, यानी कि अपने राजनीतिक विचार दे चुका है। तो एडिटोरियल कह रहा है कि साहब रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन होता है, उसे कानून की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है, कि देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, एक तकनीकी समस्या है ऑन द रेजोल्यूशंस एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है स्वीकार्यता, कि कोई भी प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को जो है स्वीकार लिया जाए, उसमें जो है मतलब बिल्कुल सीधा सीधा नहीं स्वीकारा जा सकता किसी भी रेजोल्यूशन को, उसमें एक तकनीकी दिक्कत है। आगे देखते हैं डिटेल क्या बात करता है, कि केरला असेंबली रूल्स से, कि केरल की जो विधानसभा है उसके जो नियम है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैटर्स, कि कोई भी मामले पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट, कि कोई भी मामले जो कि लंबित पड़े हुए हैं किसी अदालत के सामने, और दो या फिर वे मामले दैट डू नॉट कंसर्न द स्टेट, जिनका कि वास्ता राज्य से नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसे मामले जो कि केरल से ताल्लुकात नहीं रखते, शुड नॉट बी एडमिटेड, उनको नहीं स्वीकारा जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव के रूप में। तो एडिटोरियल बोलता है कि रेजोल्यूशन जो है उसको जो है क्या किया जा सकता है,
पारित किया जा सकता है। लेकिन केरल के संबंध में अगर हम बात करें तो एक तकनीकी समस्या है कि केरल के संबंध में रेजोल्यूशन को स्वीकारा नहीं जा सकता। वो इसलिए क्योंकि केरल के विधानसभा के जो नियम हैं वो ये कहते हैं कि साहब कोई भी मामला जो कि अदालत में पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर वे मामले जो कि केरल राज्य से जुड़े हुए नहीं हैं उनको रेजोल्यूशन के रूप में नहीं स्वीकारा जाना चाहिए। ये एडिटोरियल जो है बात करता है। हाउएवर, फिर भी दीज आर माइनर इश्यूज, एडिटोरियल कहता है कि ठीक है साहब ये कुछ दिक्कतें हैं, तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ये माइनर इश्यूज हैं। अल्टीमेटली फाइनली द हाउस स्पीकर, हाउस स्पीकर का मतलब है यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष, तो फाइनली जो है विधानसभा अध्यक्ष वो ये डिसाइड करता है ऑन एडमिटिंग अ रेजोल्यूशन कि भाई किसी प्रस्ताव को स्वीकारा जाए या नहीं स्वीकारा जाए, ये कौन डिसाइड करता है? फाइनली विधानसभा अध्यक्ष। एंड इट इज़ एन इंटरनल मैटर, और फाइनली एक तरीके से अगर हम देखें तो यह किसी भी राज्य का एक आंतरिक मामला है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है कि वॉइसिंग, वॉइस का मतलब है आप किसी के प्रति अपनी आवाज़ उठाते हो, है ना, किसी के सपोर्ट में आप अपनी आवाज़ उठाते हो तो उसको बोलते हैं वॉइस, वॉइसिंग सपोर्ट, अपना समर्थन देना, समर्थन के रूप में अपनी आवाज़ उठाना, किस चीज़ के लिए? फॉर द CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए। एंड डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल मतलब होता है खारिज कर देना, है ना, अस्वीकार कर देना। एंड डिसअप्रूवल ऑफ केरलास रेजोल्यूशन आर ऑल्सो वैलिड पॉलिटिकल ओपिनियन, एडिटोरियल कहता है कि ठीक है केरल ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई तो उन्होंने अपना राजनीतिक विचार प्रकट किया, ठीक है। अब अगर चाहे केंद्र सरकार या अन्य कोई लोग अगर चाहें तो वे भी अपना राजनीतिक मत व्यक्त कर सकते हैं कि वॉइसिंग सपोर्ट फॉर द CAA के समर्थन में अपनी बात कहना और केरल का ये जो प्रस्ताव है इस प्रस्ताव के खिलाफ अपनी बात कहना ये भी जो है वैलिड पॉलिटिकल ओपिनियन है, ये भी जो है वैध राजनीतिक विचार है। लेकिन दीज शुड नॉट ट्रांसलेट, लेकिन ठीक है आप अगर चाहते हो, आप अगर CAA का समर्थन करना चाहते हो, आप अगर केरल की बात को नहीं मानना चाहते, है ना, केरल के खिलाफ आप विरोध दर्ज कराना चाहते हो तो करा सकते हो, लेकिन आपका ये जो केरल के खिलाफ जो विरोध दर्ज कराना है ना, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को समर्थन करना है या फिर केरल के खिलाफ जो विरोध दर्ज कराना है, दीज शुड नॉट ट्रांसलेट, यह परिवर्तित नहीं होना चाहिए इनटू एनी इल एडवाइज्ड। क्या मतलब होता है इल एडवाइज्ड का? इल एडवाइज्ड का मतलब होता है अविवेकपूर्ण, नॉट वाइज, है ना, इल एडवाइज्ड एक्शन सच एज हॉलिंग अप, हॉल अप, क्या मतलब होता है इस हॉल अप का? इस हॉल अप का मतलब होता है किसी से उसके गलत कामों के लिए पूछताछ करना। एडिटोरियल कहता है कि ठीक है अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन करना चाहते हो, केरल की बात से आप राजी नहीं हो, लेकिन आपकी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके कार्य जो है परिणत नहीं हो जाने चाहिए गलत कार्यों में कि आप जो है केरल के चीफ मिनिस्टर को जो है उनसे पूछो। भाई हॉल अप का मतलब होता है किसी से उसके गलत कामों के लिए पूछताछ करना। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई केरल के मुख्यमंत्री ने अपना विरोध दर्ज कराया, उन्होंने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है, तो आप जो है ऐसा काम करने लगो, कैसा काम करने लगो कि केरल के मुख्यमंत्री को जो है कटघरे में खड़ा करो और उनसे जो है सवाल करो। हॉलिंग अप का मतलब होता है किसी से गलत कामों के लिए पूछताछ करना, है ना, तो आप जो है उनसे पूछताछ करो बिफोर द प्रिविलेजेस कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। देखो ये जो संसद होता है हमारा, इस संसद में क्या होती है? प्रिविलेजेस कमेटी होती है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, है ना, तो विशेष अधिकार से संबंधित जो कमेटी है संसद में उनके सामने जो है आप चीफ मिनिस्टर को खड़ा करो और उनसे उन्होंने ये जो रेजोल्यूशन जो है पारित किया है इस रेजोल्यूशन के संबंध में उनसे सवाल उठाओ, है ना, उनसे एक तरीके से आप पूछो कि आपने ये गलत काम कैसे कर दिया। तो एडिटोरियल कहता है कि इस तरह की काम जो है नहीं होने चाहिए, ये जो है गलत है, ये इल एडवाइज्ड है। एडिटोरियल कहता है कि CAA का समर्थन आप कर सकते हो लेकिन कोई भी ऐसे इल एडवाइज्ड काम आपको नहीं करने चाहिए। ये एडिटोरियल जो है बात करता है कि सबको अपनी राय रखने की आज़ादी होनी चाहिए, ये एडिटोरियल फाइनल बात करता है। सारी वॉकअप हम इसकी देख चुके हैं तो एक बार जो है क्विक रिवीजन इस वॉकअप का कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट idiom है इसको समझ लेना अच्छी तरीके से। मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज, इसकी एक इसको इस तरह से भी बोलते हैं, नॉट सी द वुड फॉर द ट्रीज, तो मैंने समझा दिया आपको कि इसका मतलब होता है कि कोई भी समस्या जो है उस समस्या के किसी एकाध बिंदु पर अटक जाना, बाकी चीज़ों को अनदेखा करना, बाकी चीज़ों को नहीं समझना, ना व्यापक परिप्रेक्ष्य को नहीं देख पाना। क्यों? क्योंकि आप किसी एक या दो पॉइंट पर अटक गए बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज या फिर नॉट सी द वुड फॉर द ट्री। डिनाउंस का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना, किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव, कॉल ऑन, कॉल अपॉन का मतलब है मांग करना। आगे देख लेते हैं बिल्कुल क्विकली। इसके बाद है रिपील, रिपील का मतलब है कोई कानून जो बना हुआ था ना उसको निष्प्रभावी कर देना, हटा देना, अमेंडमेंट का या मतलब संशोधन। कॉम्पिटेंट का मतलब है आप कैपेबल हो इस चीज़ के, कॉम्पिटेंट हो मतलब कि आप सक्षम हो इस चीज़ को करने के। एनश्राइन का मतलब होता है प्रतिष्ठापित करना, है ना, किसी चीज़ को पवित्र मान के जो है
रखना किसी चीज़ को, है ना, कि भाई जैसे हमारे क्या है कि मूल अधिकार हैं वे संविधान में एनश्राइन किए हुए हैं, हमने ना प्रतिष्ठापित हैं। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना या फिर मुकाबला करना। इनक्ली ये जो डिसइंक्लिनेशन, देखो इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव होना, किसी चीज़ की ओर प्रवृत्ति होना, और डिसइंक्लिनेशन का मतलब हो जाएगा रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब है आप राजी नहीं हो साहब, है ना, अनिच्छा होना। इसके बाद और देखते हैं कौन कौन से मीनिंग है। इनैक्ट, इनैक्ट का मतलब होता है साहब कोई भी कानून को निर्मित करना, है ना, गढ़ना, बनाना, कानून बनाना, मेक ए बिल और अदर प्रपोजल ला, तो उसको बोलते हैं हम इनैक्ट। पेटेंटली, पेटेंटली का मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली, जिसमें किसी तरह का कोई डाउट हो, बिल्कुल साफ तौर पे अगर आप कोई बात कहते हो ना तो उसको बोलते हैं कि यार ये बात जो है बिल्कुल पेटेंटली कही गई है। डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभावपूर्ण, है ना, बायस्ड, है ना, जब आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई काम करते हो ना, पक्षपातपूर्ण तरीके से आप कोई काम करते हो, तो उस पक्षपातपूर्ण तरीके से किए गए काम को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटरी। आगे देखते हैं और क्या शब्द है। इसके बाद है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब है निहितार्थ, कि भाई इसमें और कौन कौन सी बातें छिपी हुई हैं, आपने कुछ बात कही है ना, तो उस बात के क्या क्या आशय हैं, क्या क्या छिपे अर्थ हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। रेजिम यानी शासन। अंडरपिनिंग मतलब भाई सहारा, कोई भी चीज़ है इसे सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है ना, उसको बोलते हैं अंडरपिनिंग। कालफोर का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से मांग करना या फिर कहना। रेफरेंडम का मतलब है लोगों से वोट इकट्ठे करवा लो साहब, लोगों की राय पूछ लो, जनमत संग्रह। इल एडवाइज्ड यानी अविवेकपूर्ण तरीके से अगर कोई काम किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं इल एडवाइज्ड। और हॉलअप और प्रिविलेजेस, ये दो मीनिंग और हैं, इनको भी अच्छी तरह से देख लें।